चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें आपके 4 अध्याय हम लोग खत्म कर चुके थे, ये आपका 5वां अध्याय। याद रखिए, अगर आप स्टेट्स पीसीएस या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप समय रहते हुए एनसीईआरटी को पढ़ लें। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप सोचें कि एनसीईआरटी पढ़े बिना पढ़े कुछ उखड़ जाए, तो कुछ नहीं उखड़ने वाला है मेरे दोस्त। इसलिए समय रहते हुए बहुत अच्छे से 1 से 2 बार, मैं तो कहता हूँ आपके पास टाइम हो तो जितने से ज़्यादा बार हो सकता है पढ़ लीजिए इसे, सभी बुक्स को। और टेलीग्राम पर सभी वो बुक्स जो आपके लिए जरूरी हैं सभी डाल दी गई हैं, ठीक है। तो कक्षा 6वीं से हम लोग 9वीं तक की सभी लगभग लगभग बुक्स देख चुके हैं, और लास्ट बुक बची है आपकी विज्ञान। तो इसके खत्म होने के बाद हम लोग चलेंगे कक्षा 10वीं की। टोटल पूरी 12 ही हम लोग कवर करेंगे यार। तो चलिए 5वां अध्याय देख लेते हैं हम लोग। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कार की पतली काट के अवलोकन का पर रावट होकर ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कार के एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। हमें सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा। सेल्स, लेटिन शब्द जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, आपने सुना होगा कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक का नाम आता है हुक का, रॉबर्ट हुक का। और रेट आती है 1665 की बात है, ठीक। और ये लेटिन शब्द है जिसमें इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। उपयुक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। आओ अब हम लोग कोशिका के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। सजीव किससे बनते हो, सजीव आखिर बनते किससे हैं, क्रियाकलाप 5.1 को देखते हैं। इसमें भी आपको याद रखना है कि जो क्रियाकलाप दिए गए हैं इन्हें केवल पढ़ना है और आपको आराम से निकल जाना है, क्योंकि आपके लिए ना तो ये संभव है कि आप प्रयोगशाला में बैठकर इसे करते रहें। इसलिए अच्छे से पढ़िए और निकल जाइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लें। चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की और भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले बॉच गिलास में रख लेते हैं, इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करें, एक कांच की स्लाइड लो, इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब बॉच गिलास में रखी झिल्ली के एक छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दो। यह ध्यान रहे कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पैंट बोर्ड इस झिल्ली की को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर एक बूंद सेफ्रामाइन को डालो और इसे एक कवर स्लिप से ढक दो। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले ना आने पाए। अपने अध्यापक से सहायता लें। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थियां स्लाइड बनाई है, अस्थाई स्लाइड स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये आधार हो गया, इसका दर्पण, परावर्तक हो गया, संग्राही, सूक्ष्म स्लाइड, क्लब, घूर्णी पेंच, मंच, अभिदृश्य लेंस, भुजा, ये आपका सूक्ष्म समायोजन, प्रारंभिक समायोजन, नेत्रिका लेंस और देह नलिका। आपने क्या देखा? क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? क्या यह चित्र 5.2 जैसी दिखाई देखती है? इसमें देखिए एक केंद्रक दिख रहा है, एक केंद्रक हो गए, एक केंद्र कोशिकाएं, ठीक है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। हम विभिन्न प्रकार की विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम देख
हम क्या देखते हैं? क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? ये संरचनाएं होती क्या है आखिर? ये संरचनाएं क्या है आखिर? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शल्क कंद बनाते हैं, जैसे प्याज। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है, प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शल्क कंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ना केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हमें अपने आसपास दिखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशीय होते हैं भी होते हैं, कुछ बहुकोशीय। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका है। यह पता चलता है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा हो गया, क्लेमी डोनोमा नास हो गया, डोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव में रखते हैं हम लोग, एक कोशिक जीव में रखते हैं। इसके अतिरिक्त बहु कोशिक जीवों में अनेक कोशिकाओं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे फंजाई, कवक, पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से विकसित हुआ है। जैसे कैसे? कोशिका विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। अपना शरीर भी, हम लोग भी बहुकोशिकीय हैं। कैसे? बहुकोशिकीय। या कुछ पॉइंट दिए गए, इन्हें भी देख लेते हैं। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूबेन हक 1674 ने इसने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। ई जे पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। जो दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन 1838 टी स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। किसके? कोशिका। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। विर्चो विर्चो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी रहती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। याद रखिए, जितनी प्रगति होती जाती है उतनी नई नई खोजें होती जाती हैं। आपने देखा कि जब आदि मानव आया तब उसने फल इकट्ठे करके जंगली जानवरों से अपना भोजन पानी चढ़ाता था। फिर उसने डंडे की सहायता से खेती करना शुरू किया। फिर हल आया, आपने देखा होगा। फिर बैलों से, हल बैलों से खेती की जाने लगी। फिर देखा आपने, ट्रैक्टरों से खेती होने लगी है। तो मतलब प्रगति होती रही है कि नहीं? एकाएक तो कोई नहीं हो जाता है, कोई भी खोज नहीं होती है। पहले कोशिका की हुई, फिर उसके बारे में कुछ और तथ्य मिले, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। आगे और भी खोज हो सकती है। समझ रहे हैं आप? समझ सकते हैं कि पहले किसने देखा होगा बड़ा तारा, तो उसने कहा कि एक तारा है। फिर उसने देखा होगा दूरबीन की सहायता से, और अच्छी दूरबीन में नहीं, उसने और ज्यादा तारे देखे होंगे। तो इस तरह से होते रहते हैं। अब बात करते हैं क्रियाकलाप 5.2, 5.2। हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग अथवा विभिन्न प्रकार आकार के प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्या सभी कोशिकाएं आकार एवं आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती हैं? क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। एक आंसर मिलेगा आपका यहाँ। देखिए, एक समान नहीं होती, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं कुछ जीवों में। निम्नलिखित तस्वीरों को देखें,
देखो ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं, मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं। इसमें आपके अंडाणु हो गए, शुक्राणु दिख रहे होंगे, वसा कोशिका, अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका, शोथी कोशिकाएं, चिकनी पेशी कोशिकाएं, सभी ठीक है। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे आप देखते हैं एक कोशिकी अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, कौन सी? तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्य में है। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करना, आमाशय भोजन का पाचन करना, इसी प्रकार एक कोशिकीय भी कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसे ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करते हैं। एक कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई भी बनाते हैं जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके उसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, दे सकते हैं इनके आंसर, पढ़ते रहिए। अब बात करते हैं कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका किस का संरचनात्मक संगठन क्या क्या है, संगठन क्या क्या है। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में तीन गुण दिखाई देंगे, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। क्या क्या? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, तीसरा है कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव हैं। आओ देखें कैसे। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग रखती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है आपकी कोशिका झिल्ली को, इसलिए वर्णात्मक परागम झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसी होती है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? कुछ पदार्थ जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया अथवा ऑक्सीजन एक कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर देखने को आपको मिलती है। कुछ ऐसे इसी प्रकार की प्रक्रियाएं कोशिका में होती हैं। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है कोशिका में एकत्रित हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है और ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे आप लोग इस तरह से ले सकते हैं कि जब आपने देखा होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े किस तरह से काम करते हैं कि वहाँ आयतन अधिक हो जाएगा और खाली हो जाएगा तो हम सांस अंदर लेंगे, और जब सिकुड़ेगा मतलब आयतन कम हो जाएगा
और दाब बढ़ने लगेगा तो हमारे अंदर से हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, एक गुब्बारे को आप ले सकते हैं, उसमें आयतन अगर उसकी जगह खाली होगा उसमें तो और हवा बन जाएगी, अगर हवा नहीं होगी तो बाहर निकलने लगेगी। समझ रहे हैं? उसी तरह जब भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागम है झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम लोग फरासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक परागम झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? निम्नलिखित तीन घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं हम लोग। जल के अणु कोशिका की झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया इससे कोशिका फूलने लगेगी। दूसरा क्या हो सकता है इसमें? यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की को जो मात्रा अंदर गई है उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं होती है, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरा क्या हो सकता है इसमें? यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर की खोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस ऐसी स्थिति में कोशिका से जल बाहर जाएगा और कम जल अंदर आएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। परासरण की इस प्रकार विचरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 5.3 यानी कि 5.3 को। अंडे से परासरण। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। इसका कवच अधिक कांस्ता कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली अब अंडे को घेरे रहती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करें। आप क्या देखते हैं? अंडा फूल जाता है क्योंकि परासरण द्वारा जल अंतर अंडे के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद विलयन में रखो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करें। अंडा सिकुड़ जाता है। क्यों? जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद होता है। एक आपने देखा होगा क्या है? करेला आता है जो खट्टा वाला सब्जी बनाते हैं, उसे भी काट के कभी नमक में मिला के रख दीजिए, उससे आपका पानी निकल जाता है। समझ रहे हैं? वो भी सिकुड़ने लगता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी करने का प्रयास कर सकते हैं। 5 पॉइंट क्रियाकलाप 5.4। सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो, उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो, उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। आप निम्नलिखित अंतर देखेंगे। जब उन्हें जल में रखा गया है तो वे जल ग्रहण करके फूल जा गई हैं। जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया हो तो वे जल को बाहर निकाल कर सिकुड़ गई होती हैं। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों अथवा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। इसी प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपनी बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता भी करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों
मैं कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन अथवा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। इसी विक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी विक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अब बात करते हैं क्रियाकलाप 5.5 यानी 5.5 की। विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विषय में पता कर सकते हैं। इसके विषय में अपने अध्यापक से भी चर्चा करते रहे। अब चलते हैं हम लोग कोशिका भित्री की तरफ। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेल्युलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परागण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव कुचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। क्रियाकलाप 5.6। रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे हमें। इन्हें हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का 7 मिलियन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? अब रियो की पत्तियां कुछ मिनट तक जल में उबालो। इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। अब एक पत्ती को स्लाइड पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का 7 बिलियन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो, पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? क्या अब जीवद्रव कुचन हुआ है? इसके क्रियाकलाप से निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे पता चलता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परागण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में, यानी कि जो मर चुकी होती कोशिका, उसमें इस तरह की घटना देखने को आपको नहीं मिलेगी। कोशिका भित्री पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्प परासरणी दाभि विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती हैं, कोशिका फूल जाती हैं और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालते हैं। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी सहन कर सकती है। अब तीसरा अवस्था है इसमें केंद्रक। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की एक अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद भी डाली थी। क्यों? यदि हमें बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखते हैं? प्रयत्न करो और देखो क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई है? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तो कुछ कम। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन अथवा मैथिलीन ब्लू विलयन का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा है। अब हम लोग अपने शरीर से ली गई कोशिका को भी देखते हैं। क्रियाकलाप 5.7 5.7। कांच की एक स्लाइड लो, उस पर एक बूंद पानी रखो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर की खाल को धीरे से खरोंचो। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई है? सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर रखो। इसे रंगने के लिए एक बूंद मैथिलीन ब्लू की डालें। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार करें। इस पर कवर स्लिप रखना ना भूलें। हमने क्या देखा है? कोशिका की आकृति कैसी है? इस आकृति को एक पेपर बन बनाए। क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डॉट की तरह एक संरचना देख रहे हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या इस प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी? देखा था आपने? थी। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव के विषय में हम अनुभाग 5.2.4 में पढ़ेंगे। केंद्रक में आपका क्रोमोसोम होते हैं।
जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। आप ही सोचिए कि अगर आप लोग इसे प्रैक्टिकल कर रहे होते प्रयोगशाला में तो कितना आनंद आता, आपको बोरिंग भी नहीं लगता। लेकिन क्या कर सकते हैं इसे। क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए यानी डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाती है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड की जीन को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाओं का एक जाल का पिंड होता है। जब कभी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। आप लोग यहाँ से एक निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि आप सोचिए कि अभी ऑनलाइन परीक्षा पढ़ाई की बात चल रही है कि अब ऑनलाइन होगा, क्या ये संभव है आपको लगता है यहाँ से? ठीक है, जहाँ इस तरह के क्रियाकलाप की जरूरत नहीं होती है वहाँ तो आप कर सकते हैं इसका प्रयोग। लेकिन आप सोचिए कि जहाँ प्रैक्टिकल की जरूरत है तो वहाँ मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन से सब कुछ संभव हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग, चिकित्सा क्षेत्र में तो मुझे और भी संभव नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि जो आप देखते हैं कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में जो प्रयोगशालाएं होती हैं वो हर किसी के घर में नहीं बन सकती हैं। ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर एक स्थानीय जरूरी होता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। इस कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसमें जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट यानी कि प्रो मतलब आदि यानी कि पूर्व और कैरियोट मतलब कैरियोन या केंद्रक होता है। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम लोग यूकेरियोट कहते हैं, यूकेरियोट कहते हैं। फिर आपने दूसरा शब्द सुना होगा प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकेरियोटिक कोशिका में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, थैले की तरह की संरचना, जबकि यूकेरियोटी कोशिका में क्लोरोफिल प्लेस्टर्ड में होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कोशिका का है प्लाज्मा झिल्ली हो गई, ये राइबोसोम सफेद सफेद दिख रहा होगा, ये कोशिका भीती होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब बात करते हैं कोशिका द्रव। जब हमने प्याज की झिल्ली अथवा मनुष्य के गाल की कोशिका की स्लाइड को देखा तब हमें पितेक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखाई दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव कहते हैं हम लोग। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं शामिल जिन्हें हम लोग कोशिका अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव अथवा केंद्रक तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, जबकि यूकेरियोटी कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली अथवा झिल्ली युक्त अंगक भी देखने को मिलते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता है। ये आपके कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। आकार प्रायः छोटा होता है, आकार बड़ा होता है। केंद्रकीय छेद
केंद्रीय क्षेत्र सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्र की है झिल्ली से घिरा रहता है। क्रोमोसोम एक इस मैदे इस झिल्ली कोश का अंग अनुपस्थित होता है इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कोशिका अंगक की तरफ। पितई कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि हम उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल होती हैं को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकते हैं। इस विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं अंगक का उपयोग करते हैं। यह यूकेरियोटी कोशिका के एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटी कोशिकाओं से अलग करते हैं। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा था। अंतर्द्रव्यी जालिका गोल्जी को उपकरण लाइसोसोम माइटोकांड्रिया अथवा प्लास्टिड प्लास्टिड कोशिका अंगों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। बात करते हैं अब हम लोग अंतर्द्रव्यी जालिका ईआर। अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी लंबी नलिका अथवा गोल अथवा या फिर आयताकार थैलों पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है हमें। अंतर्द्रव्यी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका तथा चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। आर तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ईआर के द्वारा यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज दिया जाता है। एस ई आर यानी कि चिकनी अंतर द्रवी अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिका क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन अथवा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन अथवा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ईआर भिन्न रूपों में दिखाई देती है परंतु सदैव एक जीव जालिका तंत्र का निर्माण करती है। इसे देख सकते हैं आप लोग, इसे जंतु कोशिका है। ये आपका केंद्रक हो गया, ये आपकी यहाँ केंद्रकीय झिल्ली, ये आपकी दिख रही होगी यहाँ चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, ये आपकी हो गई गोल्जी उपकरण, ये आपका प्लाज्मा हो गया प्लाज्मा झिल्ली ऊपर, और यहाँ आपकी तारक केंद्र, ये आपकी लाइसोसोम, उसके बाद यहाँ बिंदु के रूप में राइबोसोम दिख रहा होगा, ये आपकी माइटोकांड्रिया है, ये आपकी यहाँ खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, और ये आपका कोशिका द्रव यानी कि जो भरा हुआ दिख रहा है ये कोशिका द्रव है। इस प्रकार ईआर यानी कि अंतर्द्रव्यी कोशिका जालिका का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों यानी कि प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। ईआर कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाएं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं कि यकृत के कोशिकाओं में ऐसी ईआर यानी कि चिकनी अंतर्द्रवी जालिका विष अथवा दवा तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अब बात करते हैं हम लोग गोल्जी उपकरण। कैमिली गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है जिन्हें कुंडिला क्या कहते हैं, कुंडिला कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकाओं की झिल्ली तंत्र के रूप दूसरे भाग को बनाती है। ठीक है, क्या करती है, बनाती है।
ये पादप कोशिका दिख रही होगी आपको, दिख रही है कि नहीं दिख रही पादप कोशिका? देखिए यहाँ इसमें हरित लवक ये दिख रहा है आपको, राइबोसोम भी दिख रहा होगा, माइटोकांड्रिया हो गई, कोशिका भित्री हो गई, बाह्य कोशिका हो गई, प्लाज्मा झिल्ली हो गई, ठीक है। ये आपका केंद्रीय झिल्ली, एक गलौजी उपकरण, ये आपका केंद्रक हो गया, ये आपका हरित लवक थाइल लुकवाइड प्रदर्शित करते हुए, ये आपकी खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका, उसके बाद ये बिंदु के रूप में लाइसोम लाइसोसोम, ये आपकी दिख रही होगी चिकनी अंतर्द्रवी जलिका, उसके बाद एक कोशिका द्रव इसमें भरा हुआ दिख रहा होगा, पादप कोशिका है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, उन्हें कोशिका के बाहर अथवा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल पुटिका में पदार्थों का संचयन को रूपांतरण तथा बंद करना, कुछ परिस्थिति में गोल्जी का उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। बात करते हैं लाइसोसोम, संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं, RER, इन एंजाइमों को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगारकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाली बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया हो गया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम 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 में चले जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम हट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, आपने सुना होगा। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती शैली थैली। अभी आपके एक वैज्ञानिक हैं, इन्हें भी देख लीजिए, कैमिली कैमिलो गोल्जी, कौन? कैमिलो गोल्जी। इनका जन्म होता है आपका 7 जुलाई 1843 को। कब? 7 जुलाई 1843 को वैसिका के कॉर्टनो में हुआ था इनका। उन्होंने फाविया विश्वविद्यालय में मेडिसिन का अध्ययन किया और 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने फाविया के सेंट मेटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी किया। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एविया एबियाटे गेसो की एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल की चिकन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी चिकन किचन को प्रयोगशाला बना लिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि तो प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषता यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गोल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सेंटियागो रेमोनो कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब? 1906 में, ठीक है। अब बचता है आपका माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर कहते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है।
ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकांड्रिया एटीपी यानी कि एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। माइटोकांड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए अथवा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकांड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। फिर आपने सुना होगा एक शब्द प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लेस्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लेस्टिड तथा ल्यूकोप्लास्ट श्वेत अथवा रंगीन प्लास्टिड। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट विकास संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग का वर्णक भी शामिल होता है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंग है जिसमें आपका स्टार्च तेल अथवा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत से झिल्ली वाली परतें भी देखने को मिलती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लेस्टिड बाह्य संरचना में माइटोकांड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकांड्रिया की तरह प्लेस्टिड भी अपना डीएनए अथवा तथा राइबोसोम होते हैं इसमें। फिर आप सुनते हैं रसधानिया। रसधानिया ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानिया छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानिया बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होती है। 50 से 90% तक देखने को आपको मिलती है। पादप कोशिकाओं की रसधानिया में कोशिका द्रव भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल हो गया, शर्करा हो गया, विभिन्न कार्बनिक अम्ल अथवा कुछ प्रोटीन भी इसमें शामिल होते हैं। एक कोशिक द्रव जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उसके द्वारा भूख में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल अथवा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन पोषण अथवा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली अथवा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीव की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत इकाई होती है। कोशिका विभाजन। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं जिससे पुरानी मृत अथवा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन यानी और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका जिसे मातृ कोशिका भी कहते हैं विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायता करती है। आपकी समसूत्री विभाजन गुणसूत्र संस्थिति कोशिकाएं गुणसूत्र देख रहे हैं, ठीक है, मातृ कोशिका इस तरह से अलग अलग विभाजित हो जाती है यानी कि दो जीव बन जाते हैं कोशिका को विभाजित करके। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। अलग अलग प्रकार का विभाजन जैसे अर्धसूत्रण कहते हैं जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रक द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो तरह की चार नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संस्थिति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो सकती है? यहाँ आप देख सकते हैं मातृ कोशिकाएं हो गई, इनका अर्धसूत्री विभाजन इस तरह से, फिर इनका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड वाला, ठीक है। तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है? कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई। इसमें एक अच्छा है कि बाद में निष्कर्ष के रूप में आपके पॉइंट भी दे दिए जाते हैं
कि आपको पढ़ने का उद्देश्य क्या था इस चैप्टर को। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियाँ लिपिड अथवा प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर अथवा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परातरण दाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकेरियोट मैकेंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। ER अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में भी कार्य करता है। गॉल्जी उपकरण झिल्ली पुट्टिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन रूपांतरण तथा पैकेजिंग करते हैं। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे आपने प्लेटेड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल आपको देखने को मिलेगा उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये विकास संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट यह प्राथमिक कार्य संचय करते हैं। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी भी होती है। एक कोशिका की स्पीति को बनाए रखती है और यह अवशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचयन करती है। प्रोक्रियोटी कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं देखने को मिलेगा। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में देखने को मिलेंगे। जीवधारियों में कार्यक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती हैं। इससे संबंधित इसी चैप्टर से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं अभ्यास के लिए, इन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो भी पीडीएफ थी वो डाल दी गई थी टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो ये था आपका पांचवा चैप्टर। उसके बाद छठवें चैप्टर में पढ़ेंगे ऊतक के बारे में।